हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तो बहुत बढ़िया हो गया। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर से बता के जाना कि आप लोग इतना ठंड में कैसे हो। आपका भाई तो एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद मेरे भाई ने मैसेज किया है कि भाई बनी बंडल रिटर्न डेट ऑल सर्वर प्लीज रिप्लाई एंड पिक मी। तो यार कमेंट तो पिक कर दिया। और बनी बंडल रिटर्न आप लोग को फेब्रुअरी मंथ को नहीं आने वाला है भाई, पहले से ही बता देता हूँ। क्योंकि फेब्रुअरी मंथ के टाइम है ना, बहुत सारा इवेंट अभी शेड्यूल हो चुका है, इसके लिए आप लोग का फेब्रुअरी मंथ को नहीं आएगा। इसके बाद में भाई ब्लैक टी शर्ट कब आएगा? तो भाई ब्लैक टी शर्ट जो है ना, ये ब्लैक टी शर्ट आप लोग को यार थोड़ी लेट से आएगा। मतलब आप लोग कितना पकड़ के चल सकते हो कि मार्च अप्रैल मंथ तक आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अभी इसके बारे में कोई पॉसिबल डेट वगैरह या फिर कोई पॉसिबल इवेंट वगैरह निकल के नहीं आया है। अगर कुछ भी इसके लिए लिक्स वगैरह मुझे मिलता है तो कहीं सब लोग टेंशन मत लेना। मेरे को भी यार निकलना है व्हाइट टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट, तो मैं आप लोग को जरूर से इसका कंफर्म डेट वगैरह और इवेंट वगैरह पता करके बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे देखो आप लोग का फेब्रुअरी मंथ के बंडल जो मुझे दो एक भाई ने कमेंट किया था कि यार हमारा जो फेब्रुअरी मंथ की जो टोकन टावर आने वाला है उसके अंदर क्या कुछ हमारा रहेगा, मतलब आइटम वगैरह। तो यहाँ पे देख लो आप लोग का मेल की बंडल फीमेल की बंडल है, दोनों ही आप लोग को दिया हो जाएगा। इसी के साथ में और एक फीमेल की बंडल भी मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, दो फीमेल की दिखा चुका हूँ और एक मेल की बंडल दिखाया था। तो सभी के सभी आप लोग को टोकन टावर के अंदर देखने के लिए मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा बन रहा है। इसके और में और कोई अपडेट मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर आप लोग को जरूर बताऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे भाई लोग का कमेंट है कि भाई फुल सपोर्ट। उसके बाद में गुड मॉर्निंग भाई, तो गुड मॉर्निंग। उसके बाद में कोबरा MP40 प्लीज पिक माई कॉमेंट, तो कॉमेंट पिक कर दूंगा भाई। कोबरा MP40 आप लोगों को ज्यादा तक इतना कन्फर्मेशन करके बता सकता हूँ अभी का जो पॉसिबल है कि आप लोग को नेक्स्ट मंथ को ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे भाई कोबरा बंडल में टोटल कितना डायमंड लगेगा तो लास्ट में जाकर बताता हूँ। इसके बाद में और एक भाई ने मैसेज किया है, इसमें किया है कि भैया इस वीडियो पर सबसे पहला कमेंट मैंने लिया है, भैया इवो M1014 कब आएगा? तो सबसे पहला कमेंट सच में इसी भाई का था। और यहाँ पे M1014 कब आएगा अगर पूछना चाहता है तो देखो M1014 के लिए अभी आप लोग को वेट करना पड़ेगा। मेरे पास मे मंथ तक अपडेट है लेकिन उसके अंदर M10 आएगा क्या मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे भाई का मैसेज था कि भाई इमोट कैप्सूल इवेंट कब आएगा ब्रो प्लीज़। तो यहाँ पे देख लो आप लोग का इमोट कैप्सूल इवेंट आएगा क्या नहीं, चलो इसके अंदर ही बता देता हूँ। यहाँ पे पहले इवेंट आप लोग देखो, यहाँ पे जो ये वाला लकड़ायल आप लोग को देखने के लिए मिलता है, ये वाला लकड़ायल आप लोग को इसी मंथ का एंड होने के बाद, मतलब यार फेब्रुअरी मंथ के एकदम स्टार्टिंग पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? एकदम स्टार्टिंग पे, एकदम मतलब यार 2-3 तारीख को ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 7 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग इतना कन्फर्मेशन करके पकड़ के चल सकते हो और सेम टू सेम इस टाइप का ही लकड़ायल आएगा। बाकी यार यहाँ पे तो आप लोग का पुराना वाला रिटर्न में डाल रहा है लेकिन न्यू वाला जो आइटम है वो गिरना कहाँ पे डालेगा, आप लोग का यही मन में चल रहा है कि यार इमोट कैप्सूल जो इवेंट है ये कब आने वाला है। मतलब यार जो न्यू दो इमोट बना के रखा है गिरना ने डुओ वाला, वो दोनों इमोट में से कोई जो एक इमोट सबसे बढ़िया था, जो इमोट में आप लोग को बहुत बार दिखा चुका था उस टाइम आप लोगों को जो सबसे बढ़िया वाला बोला था, वही बढ़िया वाला ही आप लोगों को यार इमोट कैप्सूल के अंदर देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा डायमंड खाएगा। और जो नॉर्मल वाला डुओ इमोट था वो नॉर्मल वाला डुओ इमोट आप लोगों का इमोट पार्टी इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। जो भाइयों ने मुझे कॉमेंट किए थे कि इमोट पार्टी के लिए, उसका भी कॉमेंट को भी यहाँ पे दिखा दूंगा, उसने भी कॉमेंट किया था मुझे। यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉमेंट किया है कि लव यू ब्रो करके, उसके बाद में भाई इवो UMP कब आएगा। इसके बाद में ही देखो यहाँ पे भाई का कॉमेंट है कि वैलेंटाइंस इवोट कौन सी इवेंट के अंदर आएगा ब्रो। तो यहाँ पे बता दिया कि यार दो इमोट टोटल डो वाला इमोट रेडी है, दो इमोट है तो दोनों में से कोई एक तो आप लोगों को जो मतलब यार नॉर्मल वाला है वो तो इमोट पार्टी में आएगा और जो सबसे खतरनाक वाली है वो आप लोगों को इमोट कैप्सूल पे आएगा। इसके बाद में कोबरा बंडल रिटर्न डेट प्लीज़ भाई, तो लास्ट में जाके बता देता हूँ भाई इंक्यूबेटर M10 कब आएगा कन्फर्म डेट बताओ प्लीज़ 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 करके लिखा है। तो देखो यहाँ पे इंक्यूबेटर का M10 वाला जो मैं दिखा चुका था आप लोगों को, वो इंक्यूबेटर का M10 अभी के टाइम पे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी एक बंडल की इंक्यूबेटर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इसी के लिए। इसके बाद में गाइस काफ़ी सारा भाई के काफ़ी सारा मेरे पास कमेंट था, तो यार सभी का कमेंट को यहाँ पे पिक करने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि हाँ भाई आप लोगों में से एक भाई ने कमेंट किया था मुझे पिंक डायमंड के बारे में, क्योंकि वो वीडियो अभी के टाइम पे मेरा 1.5 लाख के ऊपर वीडियो की व्यूज चल रहा है। तो उसमें कमेंट किया था कि यार पिंक डायमंड के स्टोर जो दिखा रहे हो ये क्या पिंक डायमंड के स्टोर आएगा? तो देखो यार बाहर की सर्वर पर तो रिटर्न आना स्टार्ट हो चुका है लेकिन इंडियन सर्वर के अंदर अभी के टाइम पे
कुछ भी कंफर्मेशन करके बता नहीं सकते, क्योंकि गाइस देखो बाहर की तरफ तो सभी इवेंट आ जाता है, लेकिन इंडियन सर्वर के अंदर गिरना सब इवेंट को नहीं डालता है, कुछ कुछ इवेंट को गिरना डालता है और कुछ ऐसा चीज है जिसको गिरना अभी के टाइम पे पेंडिंग पर कर देता है। बाकी देखो कोई एक बंदा मतलब दूसरे की वीडियो देख रहा था और मुझे कॉमेंट में बोला था कि भाई यार एक यूट्यूबर बता रहा है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, और वो या फिर बता रहा है कि अब लोगों को यार फ्री फायर इंडिया आने के बाद इन सर्फ का पिंक डायमंड की स्टोर देखने के लिए मिलेगा। बाकी तो देखो मेरे पास इसका कोई भी लिक्स नहीं है, कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, तो लिक्स वगैरह अपडेट वगैरह मिलने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कोबरा बंडल कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा, 100% कंफर्म अपडेट, तो चलो दे दूंगा यार। इसके बाद में कोबरा बंडल कब रिटर्न आएगा भाई बता दो प्लीज़ ब्रो, अंजलि पेंट कब आएगा, अंजलि नहीं अंजलि लिखा है, तो यार कोई नहीं अंजलि मुझे समझ में आ चुका है। इसके बाद में बनी बंडल आएगा प्लीज़ पिक माय कमेंट, बनी बंडल कब आएगा तो यार बता दूंगा मैं आप लोग को, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ बनी बंडल कब आएगा। बाकी आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखते हो तो शायद पता नहीं चला है। इसके बाद में यहाँ पे कोबरा MP40 करके लिखा है भाई ने, तो कोबरा MP40 देखो मेरे को यार 99% तक कन्फर्म है कि आप लोग को नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड पे आ जाएगा। अगर बैनर निकल जाता है ना तो बैनर आप लोग को मैं शो करा के दिखा दूंगा कि नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड में कौन कौन सी ईवोगन रहेगा। इसके बाद में गाइस एंजेलिक पेंट की बात करें, जो भाई ने यार गलत लिखा था अंजलि लिखा था, तो यहाँ पे एंजेलिक होगा, तो एंजेलिक पेंट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके का एंजेलिक पेंट के मेरे पास लिक्स आ चुका है गाइस, एक है आप लोगों का ग्रीन वाली और दूसरा है आप लोगों का व्हाइट वाली। पहले ग्रीन वाली दिखा देता हूँ उसके बाद व्हाइट वाली दिखाऊंगा। तो पहले में जो ग्रीन वाली है ये वाला ग्रीन वाली आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा गाइस, इसके साथ साथ इसका जो व्हाइट वाली है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन व्हाइट वाली के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रीन वाला सबसे पहले आप लोगों को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा और सेम टू सेम इसी इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा, जो इवेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरना चेंजेस रिवॉर्ड में कर सकता है, बाकी इवेंट इस तरह का ही रहेगा। अभी आप लोग अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, बाकी देखो गिरना ऐसा भी कर सकता है कि ये जो व्हाइट वाला है इसके साथ भी दोनों को एक साथ डाल दे सकता है कि गाइस देखो बहुत ज़्यादा लिक्स ऐसा निकल के आ रहा है कि आप लोग को एक ही टोकन व्हील या फिर एक ही लकड़ा देगा गिरना, जिसके अंदर से आप लोग को दो तरीके का यहाँ पे एंजेलिक का पैंट देखने के लिए मिल जाएगा। पैंट मतलब यार सिर्फ पैंट ही आएगा, ठीक है, दूसरा आइटम आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलने का कोई चांस अभी नहीं बन रहा है, सिर्फ के सिर्फ पैंट ही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, इस तरफ का ही मेरे पास लीक्स आ रहा है। बाकी देखो अभी तो इसका लीक्स आ रहा है, इसका कन्फर्म अपडेट तो मेरे पास नहीं है, कन्फर्म अपडेट अगर मुझे मिल जाता है ना तो मैं आप लोग को जरूर से जरूर नेक्स्ट वीडियो पर कन्फर्म करके बता दूंगा। टेंशन की भाई कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आप लोग को अपडेट देने के लिए, मैं आप लोग को झूठा अपडेट नहीं दूंगा। इसके बाद में यहाँ पे भाई ने बता रहा है कि ब्रो ब्लू सेट के लिए कितना डायमंड लगेगा प्लीज़ रिप्लाई, तो देखो अभी के टाइम पे नहीं बता सकता हूँ कि ब्लू सेट के लिए कितना लगेगा। बाकी यार देखो 2000 तक तो पकड़ के चल ही सकते हो एक एक बंडल को निकालने में। इसके बाद में भाई बाहर के सर्वर पे हाइब्रिड 5 फीस रिटर्न आया था 1 मंथ पहले, तो इंडियन सर्वर पर क्या नहीं आएगा प्लीज़ बताओ। तो देखो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडियन सर्वर हाइब्रिड फिस्ट पंच कब आएगा। बाकी इसके बाद भाई का कमेंट है कि पर्पल शर्ट बंडल और बनी बंडल, तो बनी बंडल और पर्पल शर्ट देखो पर्पल शर्ट अभी टाइम लगेगा, बनी बंडल कर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोबरा बंडल भाई हमारे पास या 3 से 3.5 से 4 हज़ार डायमंड है, तो कोबरा बंडल निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा भाई, इतने डायमंड के अंदर तो निकल ही जाएगा भाई, अभी का टाइम पे तो निकल जाता है। इसके बाद मैं गाइस यहाँ पे ट्यूनिस ऑफ ब्रोज का जो MP40 है उसका अपडेट करें में बात करें कि गाइस देखो काफ़ी सारा भाई का कमेंट आ चुका है कि हमारा जो ट्यूनिस ऑफ ब्रोज का MP40 है या फिर हमारा कोई ओल्ड MP40 की स्किन रिटर्न में आएगा क्या नहीं, तो इस तरह का कमेंट मेरे पास आया था, तो मैं यहाँ पे पिक नहीं किया भाई का कमेंट। तो यहाँ पे एक बात बता देता हूँ भाई, देखो ऐसा लिक्स निकल के मेरे पास आया है कि आप लोगों को मतलब दिल तो पूरे गर्डन गर्डन होने ही वाला है, लेकिन गर्डन गर्डन तब होगा जिसका मैं कंफर्म डेट बताऊंगा। गाइस देखो मेरे पास अभी इतना लिक्स निकल के आ चुका है कि ये जो ट्यूनिस ऑफ ब्रोज का MP40 है ये वाला MP40 आप लोगों को 15 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अभी कन्फर्म कोई नहीं है पॉसिबल है। इसके बाद में भाई के यहाँ पे कॉमेंट है कि इवेंट, और इवेंट क्या है कि 950 डायमंड में कौन सा अच्छा बंडल निकल सकता है प्लीज़ बताओ। तो देखो आप एक काम कर सकते हो, अभी के टाइम पे स्टोर पे बहुत सारा बंडल आया है, तो उसके अंदर आप लोगों को जो भी बंडल अच्छा लगता है ना, कोई एक मतलब
अच्छा वाला मंडल को ढूंढना जो आप लोगों को पसंद आता है, उसी के अंदर अंदर आप लोग आपको निकलना पड़ेगा। इसके बाद विक्रम भाई आप कहाँ से हो? तो मैं तो बंगाल से हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, ठीक है, मैं बंगाली हूँ। इसके बाद में यहाँ पे भैया ने भैया येलो एंजेलिक पेंट कब आएगा, तो येलो के लिए वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। उसके बाद में भैया का चैनल को सब्सक्राइब करो, 4K जल्दी कंप्लीट करा दो। तो बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि देखो आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तभी आप लोग सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करना, नहीं तो मत करो। इसके बाद में यहाँ पे देखो भाई का कमेंट है कि विक्रम भाई मुझे ये बताओ मिस्ट्री शॉप कब आने वाला है। तो मिस्ट्री शॉप के बारे में काफ़ी सारा भाई का कमेंट आ चुका है, काफ़ी सारा भाई ने मिस्ट्री शॉप के लिए भी वेट कर रहा है। तो जो भाई मिस्ट्री शॉप के लिए वेट कर रहा है उसको बस एक ही बात बोलूँगा कि यार इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस बोलते हो कि ख़त्म, ऐसा ही आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट मंथ को आप लोग को 15 तारीख के अंदर अंदर आप लोग का जो ये वाला मिस्ट्री शॉप देख रहे हो गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि रिवॉर्ड में आप लोग को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, मेरे पास पूरे के पूरे कन्फर्म अपडेट है, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड बुक का कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन इवेंट आएगा जो मेरे पास कंफर्म अपडेट है। लेकिन इवेंट का मैं और एक बात करती हूँ, यहाँ पे देख सकते हो और एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई गोल्डन सेट एक्सचेंज कर पाएंगे या नहीं। बहुत यूट्यूबर ने बोल रहा है कि क्रिमिनल जैसा होगा जो घोस्ट क्रिमिनल है, हाँ गाइस इसी टाइप का होगा, ठीक है, मैं भी इतना ही बताऊंगा क्योंकि गाइस देखो ऐसा ही लीक्स निकल के आया है इसी के लिए, सबने बता रहा है। इसके बाद में भाई इंडोनेशिया सर्वर में तो हाइब्रिड पंचमैन एक मंथ पहले रिटर्न में आ चुका था, तो इंडियन सर्वर क्या नहीं आएगा? तो देखो हाइब्रिड पंचमैन जो है ना, ये आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। या देखो अभी के टाइम पे तो आप लोगों का जो ओल्ड आइटम था रिटर्न में गिरना डाल दिया है 2 बेस्ट का स्किन, तो इस मंथ को तो आप लोगों को देखने के लिए और नहीं मिलेगा। देखो भुया डेकी और कोबड़ा बंडल दोनों का ही फिस्ट रिटर्न आया है, लेकिन रैम्पेज का अभी तक देखने के लिए मिला नहीं है। तो आप लोग इतना पकड़ के चल सकते हो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर कोई ना कोई आप लोग को मुट्ठे की स्किन तो रिटर्न में डालेगा ही गिरना, तो कौन सा डालेगा आप लोग को अभी तो समझ में आ चुका है ना कि कौन सा आएगा। भैया ऐसा ही कर सकते हैं, गिरना रैम्पेज का ही डालेगा, क्योंकि देखो कोबड़ा और भुया दोनों का तो आ चुका है, सिर्फ रैम्पेज का ही बाकी है, तो वो भी आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए जरूर जरूर मिल जाएगा। आप लोग को टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं, इसके बारे में कोई भी मुझे लिंक्स वगैरह मिलता है तो जरूर बताऊंगा। और जो मिस्ट्री शॉप है ना, इसका अभी कोई मेरे पास वीडियो क्लिप नहीं है, बस कंफर्म अपडेट यही है कि आप लोगों को 14 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए जरूर जरूर मिल जाएगा। टेंशन की भाई जरूरत नहीं है, मुझे वीडियो का क्लिप है ना कल तो अपडेट है, उसके बाद मुझे वीडियो का क्लिप मिल जाएगा, तो मैं आप लोग को जरूर जरूर वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा कि उसके अंदर रिवॉर्ड वगैरह क्या क्या रहेगा, बंडल से लेकर आप लोग को गन स्किन वगैरह क्या क्या रहेगा, क्रिएट के अंदर क्या क्या रहेगा, सब कुछ आप लोग को पूरे के पूरे रिव्यू में बता दूंगा। इसके बाद में गाइस बात करके आप लोग का कोबड़ा बंडल रिटर्न कार्ड में कैसे, आप में से काफ़ी सारा भाई ने मुझे कमेंट कर रहे हो, तो देखो भाई मैं आप लोग को बहुत बार यही बात बता चुका हूँ कि कल अपडेट है, ठीक है, कल अपडेट होगा गेम का, तो गेम का अपडेट होने के बाद मैं लॉगिन करने के बाद बाहर की सर्वर पर जाके देखूंगा, पहले मैं खुद का आईडी लॉगिन करूंगा नहीं, मैं पहले बाहर की सर्वर पर जाके देखूंगा कि वहाँ पे गिरना क्या चला रहा है। मतलब न्यू तो कोई इवेंट लाई गई सुबह के अंदर, लेकिन सुबह का जो इवेंट होगा ना वो मैं नहीं लॉगिन कर सकता हूँ क्योंकि अपडेट है इसके लिए, तो सुबह मतलब या दोपहर के बाद मैं उसको लॉगिन कर सकता हूँ। तो लॉगिन करके देखूंगा कि बाहर की सर्वर पर गिरना ने क्या इवेंट चला रहा है कोबड़ा बंडल कार्ड में, तो वहाँ पे मुझे जो भी लिंक्स मिलेगा मैं पूरे के पूरे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर शेयर करूंगा। तो आज की डेट पर आप लोग को मैं इतना तक बता सकता हूं कि जैसे मैं पॉसिबल डेट बता के रखा था कि आप लोग को 27 तारीख को देखने के लिए मिलेगा जनवरी के, और यहां पे और एक बात है कि आप लोग को फेब्रुअरी मंथ के 22 तारीख को, तो ये दोनों डेट पॉसिबल था, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, तो कन्फर्मेशन एक बार होने दो, एक बार गेम को लॉग इन करने दो मुझे अपडेट के बाद, उसके बाद ही मैं आप लोग को बता सकता हूं इसका कन्फर्म अपडेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, अगर पसंद आता है तो जरूर से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि गाइस कोबड़ा बंडल के लिंक्स मैं आप लोगों को सबसे पहले देने वाला हूँ इसी के लिए। तो अगर सब्सक्राइब वगैरह भी करके रखा है तो यार क्या बात है, और बहुत ही बढ़िया है। तो आज की वीडियो बस इतना सही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।